गुजरात में बीते एक हफ्ते में मूसलाधार बारिश जारी है। ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ बारिश से अब तक पूरे राज्य में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरेली, गिर सोमनाथ, नवसारी, डांग, वलसाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि जूनागढ़, भावनगर, सूरत, तापी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी गुजरात के नवसारी में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल। इलाके में करीबन 150 घर बाढ़ की चपेट में आ गए। इलाके में लगभग 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण इलाकों की बिजली कटी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र के नासिक, पालघर और पुणे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में बहाडोली में काम करने वाले 13 मजदूर वैतरणा नदी में फंसे। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया। मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के पास अचानक आए पानी के बहाव में बह गई कार। एक श्रद्धालु अपनी कार खड़ी कर दर्शन के लिए गया था। शिवालिक पहाड़ियों पर तेज बारिश के कारण सारे नदी नाले उफान पर हैं। एमपी के छिंदवाड़ा में 24 में 3 लोग पानी के तेज बहाव में बहे। पीपला नारायण में तेज रफ्तियों को पार करने के दौरान युवक का पैर फिसला और उफान के साथ बह गया। युवक की तलाश जारी। सोनसर में एक महिला उफनती नहरों में बह गई। एमपी के हरदा में कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर जलजमाव से प्रभावित रहा। शहर के कुछ इलाके पानी में डूब गए। होमगार्ड के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। नदी किनारे फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हरदा में एक दिन में 55 मिलीमीटर बारिश हुई है। यूपी के महाराजगंज में बारिश न होने से किसान परेशान। सदर विधायक और नगर नालिका अध्यक्ष को गांव वालों ने कीचड़ में नहलाया। गांव वालों ने दी अनोखी मान्यता की दलील। कहा, किसी व्यक्ति को कीचड़ से नहलाने पर इंद्रदेव खुश हो जाते हैं और बारिश होती है। ब्रिटिश पीएम की कुर्सी के और करीब पहुंचे नारायण मूर्ति के दामाद ऋषि सुनक। पहले राउंड की वोटिंग में मिली शानदार जीत। अटॉर्नी जनरल सुएला ब्रिवरमैन को 32 वोट मिले हैं। दूसरे दौर का मतदान आज। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया ने नहीं दिया इस्तीफा। पीएम को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाकर भागे मालदीव। भड़की जनता ने पीएम हाउस पर किया कब्जा। श्रीलंका के कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने सेना को प्रदर्शनकारियों से निपटने की खुली छूट दी। कोलंबो में हिंसक झड़प में 30 लोग जख्मी। श्रीलंका में जारी प्रदर्शन पर कार्यवाहक राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे का बड़ा बयान। कहा, फासीवादी ताकतें सरकार पर कब्जे की कोशिशें कर रही है। श्रीलंका के मौजूदा हालात पर बोले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, श्रीलंका मुद्दा चिंता का विषय, इस पर चर्चा के लिए सरकार को बुलानी चाहिए सर्वदलीय बैठक। संसद सत्र से पहले आज कांग्रेस की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 10 जनपद पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति की बैठक होगी। वरिष्ठ पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश शामिल होंगे। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। राष्ट्रपति चुनाव के एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में करेंगे प्रचार। बीजेपी के विधायकों और सांसदों से करेंगे मुलाकात। गोवा की 40 सदस्य विधानसभा में बीजेपी के 20 सदस्य हैं। वही राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करेंगे और अपने लिए समर्थन मांगेंगे। 18 जुलाई को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। शिवपाल सिंह यादव का एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान। कहा, द्रौपदी मुर्मू ने हमसे समर्थन मांगा है। जयपुर एयरपोर्ट पर अपने ही नेताओं पर भड़के बीजेपी सांसद किरोड़ीलाल मीणा। आदिवासी कार्यकर्ताओं को द्रौपदी मुर्मू के स्वागत समारोह में एंट्री न मिलने का आरोप। कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए किरोड़ीलाल मीणा। अशोक स्तंभ विवाद पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आप कुछ भी बनाइए, लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। अमरनाथ यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। यात्रियों की संख्या को लेकर सवाल को हिंदू विरोधी बताया।
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। यात्रा का राजनीतिक लाभ उठाने के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या से नुकसान की बात भी कही। पार्टी के लिए बीएमसी चुनाव की कमान खुद संभालेंगे शरद पवार। एनसीपी की बैठक में शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा बीएमसी चुनाव में वो खुद मुंबई में सक्रिय तौर पर ध्यान देंगे। एकनाथ शिंदे प्रवक्ता दीपक केसरकर का बड़ा बयान, कहा बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन सिर्फ इस बात पर अटका है कि पहले फोन कौन करे। अगर उद्धव एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दे तो हम साथ जाने के लिए तैयार है। अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई, बर्फ पिघलने से सिर्फ 2 फीट का शिवलिंग नजर आ रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ में 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पीएफआई से जुड़े दोनों संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही थी फंडिंग। 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मकसद से कर रहे थे काम। लखनऊ के लुलू मॉल में नमाज की तस्वीर आने के बाद हिंदू महासभा ने कहा दोबारा नमाज हुई तो मॉल में होगा सुंदरकांड। हिंदू महासभा ने कहा करें लुलू मॉल का बॉयकॉट, योगी ने 10 जुलाई को किया था इस मॉल का उद्घाटन। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े सदस्य का फिर भड़काऊ बयान आया सामने। दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने देवी देवताओं के वजूद पर उठाए सवाल। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।